युवा सड़क पर उतर गए। सड़क पर निकला युवाओं का मार्च, हजारों की संख्या में युवाओं की ताकत और जोश नजर आया। इंदौर में दरअसल आपको बता दूं भर्ती सत्याग्रह चल रहा है और पांचवे दिन तक जब कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं पहुंचे। जो सत्याग्रह करने वाले युवा है, इनकी मांग थी कि कलेक्टर कम से कम इनसे बात करने आए, इनकी बात को सुना जाए। लेकिन जब कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा वहां पर, तो युवाओं ने निकाला मार्च और इंदौर की सड़कों पर ये मार्च निकला। युवाओं की ताकत नजर आई, रीगल तिराहे पर बैठकर इन युवाओं ने प्रदर्शन किया और अब ये युवा कह रहे हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। वही रोटी खाएंगे, क्योंकि यूं भी जेल में ही है, या रूम पे रहते तो जेल है, लाइब्रेरी भी जेल है, तो ये खाना भी देंगे तो हमारा कुछ तो खर्चा बचेगा। तो अब यहाँ से जेल भरो आंदोलन चालू हो जाएगा, आज ही हम चले जाएंगे। ये सारे संघ, जितने भी संगठन है, जितने भी सामाजिक संगठन, हाँ राजनीतिक एक भी नहीं है। और हमारी मांग हमारी टोपियों पे लिखी, ये हमारी टोपी मामा की टोपी नहीं है, छात्रों ने खुद ने पहनी टोपी है, मामा की उतारी और हमने पहन के लिए कि रोजगार खुद लेके आएंगे। इसलिए अब हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक पूरी नहीं होगी हम पीछे हटके नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि भर्ती सत्याग्रह किया जा रहा है और युवाओं के संगठन NEYU की तरफ से ये भर्ती सत्याग्रह हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं सत्याग्रह में। तो सत्याग्रह के पांचवें दिन युवाओं ने दिखाई ताकत और इस तरीके से प्रदर्शन किया। जिम्मेदार और बड़े अधिकारियों से संवाद ना होने पर युवाओं ने ये बड़ा मार्च निकाला, रीगल तिराहे तक पहुंचा। मौके पर SDM पहुंचे और SDM ने इनसे ज्ञापन लिया। लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रदेश में खाली पड़े पदों को भरा जाए। PSC को लेकर भी युवाओं का गुस्सा निकल रहा है, PSC परीक्षा को लेकर, तो उसमें भी मांग की जा रही है कि काफी समय से युवा इंतजार कर रहे हैं, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। लेकिन बड़ी संख्याओं में युवाओं का ये मार्च इंदौर की सड़कों पर निकला और एक बार फिर युवा बेरोजगारों ने यहाँ पर अपनी ताकत दिखाई।